करेंगे ओके okay. ऑटोकैड में ओके सर्कल कमांड कैसे यूज कर सकते हैं ओके सर्कल कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं ओके okay. तो पहले आपको क्या करना है पहले सबसे पहले आपको क्या करना है ये जो एक्स एंड वाई ओरिजिन यहाँ पे फिक्स है इसको हटा देना ओके okay. तो उसके लिए यू सी एस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन ओके इसको प्रेस करना है और यहाँ पे नो ओरिजिन प्रेस करना है आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑटोमेटिकली हट चुका है सेंटर लाइन से ओके आपको क्या करना है सर्कल यूज़ करने के लिए ओके आपको सर्कल पे क्लिक करना है ठीक है क्लिक करके यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट पे क्लिक करना है ओके क्लिक करने के बाद आपको अगर डायमीटर मान लीजिए कि आपको तीन सौ mm का डायमीटर चाहिए तो थ्री एंटर ओके थ्री एंटर करना है आप डायमीटर देख सकते हैं सर्कल ड्रॉ हो चुका है ओके सिक्स हंड्रेड डाई का ओके सिक्स हंड्रेड डाई का बिकॉज हम लोग ने रेडियस लिया था ओके okay, बिकॉज हम लोग ने रेडियस लिया था सिक्स हंड्रेड का ओके okay, तो आप देख सकते हैं सिक्स हंड्रेड का डायमीटर यहाँ पे हो चुका है ओके okay, ये सर्कल हो क्या सर्कल के ऑप्शन क्या हैं ओके सेंटर रेडियस है ओके okay, okay, आप रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो सेंटर डायमीटर है ओके फॉर एग्जाम्पल डायमीटर मैंने तीन सौ सपोज दो सौ डायमीटर का सर्कल बनाया ठीक है आप देख सकते हैं डाई 200 का सर्कल बन चुका है यहाँ पे 200 हंड्रेड का सर्कल बन चुका है ओके ओके थर्ड ऑप्शन आता है टू पॉइंट सर्कल ओके थर्ड ऑप्शन आता है टू पॉइंट सर्कल ओके फॉर एग्जांपल आप एक लाइन ड्रा किया आपने एक लाइन ड्रा किया ओके okay. आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया वन टू वन ठीक है आपने एक स्ट्रेट लाइन वन जीरो फाइव पॉइंट टू थ्री मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया ओके okay. और आपको इसको सेंटर पॉइंट मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है ओके okay. आपको इसको सेंटर पॉइंट मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है ओके okay. तो आप देख सकते हैं ओके okay, ये सेंटर पॉइंट मान के ओके टू पॉइंट सर्कल क्रिएट हो चुका है मीन्स पॉइंट वन ओके पॉइंट टू ओके दोनों पॉइंट को नजर रखते हुए ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है ऑटोमेटिकली ओके यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओके यू जस्ट हैव टू डू सिंपल थिंग यू जस्ट हैव टू ड्रा लाइन अ सिंपल लाइन ऑफ एनी लेंथ ओके नॉट एन इशू ओके उस लेंथ को नजर रखते हुए उस लेंथ लेंथ के एंड टू एंड पे ओके okay, हम ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ओके okay, इसको बोलते हैं सेंटर टू पॉइंट सर्कल ओके अभी थ्री पॉइंट सर्कल क्या होता है अभी थ्री पॉइंट सर्कल क्या होता है सपोज ओके okay, आपने एक ओके okay, ओके okay, आपने एक लेंथ बनाया ठीक है सपोज ये 90 डिग्री है ओके okay, इसको मुद्दे रखते हुए आपको सर्कल ड्रॉ करना है ओके okay. सपोज ये नाइन्टी डिग्री है ओके वन टू ईस ओके तो आपने सिक्सटी एट पॉइंट फोर फोर का एक बनाया एक सेवेंटी पॉइंट एट एट एम एम का एक लाइन ड्रॉ किया ओके okay. अब आपको थ्री पॉइंट सर्कल ड्रा करना है तो थ्री पॉइंट यू हैव टू स्पेसिफाई पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट ओके okay. आपको थ्री पॉइंट नजर रखते हुए ये सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो ओके okay. ये आप नाइन्टी डिग्री में भी कर सको इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है ओके okay. सो so, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टैन टैन रेडियस ओके ये टैन टैन रेडियस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ओके okay. ये टैन टैन रेडियस क्या होता है ओके फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल अब सर्कल ड्रॉ करने का दूसरा तरीका क्या हुआ है सर्कल ड्रा करने का दूसरा तरीका है कमांड तरीका ओके okay. कमांड तरीका अब जस्ट प्रेस कर सकते हैं सी देन एंटर ओके सी एंटर सिंपल सी एंटर ओके पहला ऑप्शन हमने जाना था यहाँ पे जाके रिबन पे जाके ड्रॉ टूल पे जाके हमने सर्कल बना सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपको सी एंटर करना है ओके okay, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे सर्कल थ्री पॉइंट टू पॉइंट टेन टेन ओके इस तरीके के देखने को मिलेंगे ओके सपोज क्या आप एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं आपको दो का आपको सर्कल चाहिए आपको टू आपको रेडियस का सर्कल हो जाएगा ओके <coughs> okay, आपको 200 हंड्रेड रेडियस का सर्कल यहाँ पे इजीली बन जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट यूज करके ओके okay, अगर आप सर्कल में जाना चाहते हैं ओके okay, और आप यहाँ पे स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हैं बट इन दिस केस आप कमांड यूज़ करते हो तो ये दो ओके okay, और ये दो ओके वन टू थ्री फोर आपको ऑप्शंस कमांड में मिलेंगे बट सेंटर डायमीटर और सेंटर रेडियस आपको कमांड में नहीं मिलेंगे ओके okay, आपको यहाँ पे आके सेलेक्ट करना पड़ेगा ओके दैट्स द वेरी इजी थिंग ओके ओके फाइन सो अब नेक्स्ट ट्रॉ देखते हैं टेन टेन रेडियस क्या होता है टेन टेन रेडियस क्या होता है ओके सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने सर्कल बनाया ओके okay, आपने एक सर्कल बनाया ओके okay, 400 हंड्रेड रेडियस लेते हुए ओके okay. फिर आपने एक लाइन बनाई ओके आपने एक लाइन बनाई इसको सेंटर पॉइंट लेके आपने एक सिंपल लाइन बनाया ओके okay. लाइन बनाया ओके फाइन ओके ऑफसेट कर दिया और आप यहाँ से ऑफसेट कर दिए ओके okay. ओके okay. ओके okay. आपने एक सर्कल बना दिया ओके okay. अब टेंट एंड रेडियस कैसे काम करता है ओके okay. आपको जाना है ठीक है आपको जाना है टेंट एंड रेडियस पे, आपको ये सेलेक्ट करना है आपको ये लाइन सेलेक्ट करना है ओके okay. आप देख सकते हो ओके ऑटोमेटिकली सर्कल क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओके okay. इस पॉइंट को टच करके और कोई भी दो पॉइंट को टच करके एक सर्कल क्रिएट हो जाता है ओके इसको बोलते हैं हम टेंट एंड रेडियस इसको हम बोलते हैं टेंट एंड रेडियस ओके इसको हम बोलते हैं टेंट एन रेडियस ओके फाइन तो ये टेंट एंड रेडियस क्या है आपको कर्वेचर देता है ओके आपको कर्वेचर देता है टेंट एन रेडियस ओके नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा टेंट एंड टैन रेडियस ओके ये कोई भी तीन लाइन ओके कोई भी तीन लाइन के इन बिटवीन आप क्रिएट कर सकते हैं ओके okay. आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे ये टेंट एंड रेडियस कैसे क्लिक करते हैं कैसे यूज करते हैं दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन बट ये यूज होता है ओके बट दिस आर द इंपॉर्टेंट ऑप्शन सेंटर रेडियस सेंटर डायमीटर टू पॉइंट थ्री पॉइंट टेंट एन रेडियस दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन एंड मोस्टली यूज ऑप्शन ओके आगे आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे आर्क ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं ओके और इसके साथ ही जानेंगे रेक्टेंगल पॉलीगन एलिप्स हैचिंग का कैसे यूज़ होता है ओके तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब माई चैनल ओके